الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मोहतरम नाज़रीन कराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो जिस तरह से तकवा इख्तियार करने का हक है। हक का तुकाती यानी जिस तरह से तुम्हें मुत्तकी होना चाहिए उस तरह से तुम मुत्तकी बनो, ऐसा तकवा इख्तियार करो। और वला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को दो बातों का हुक्म दिया, एक बात पर जोर दिया और दूसरी बात का ये दिया कि तुम जो है तुम्हारी हयात जो है वो इस्लाम पर होनी चाहिए और तुम्हारी वफात और तुम्हारी मौत भी ईमान और इस्लाम पे होनी चाहिए। सबसे पहली बुनियादी चीज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। देखिये, मोमिन से सबसे पहली चीज का जो मुतालबा किया जाता है वो तकवे का किया जाता है। तकवा क्या है? अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह ताला की वाहियत, अल्लाह ताला का ध्यान कि हर वक्त हर जगह हर मकाम पर और हर घड़ी इस बात का कभी यकीन हो इंसान को कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और साथ साथ अल्लाह की नाफरमानियों से बचे इस बुनियाद पर कि उसको अपने रब का खौफ हो, अल्लाह का खौफ हो कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे जो है वो रूठ ना जाए। इसी तरीके से फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये यानी जो तकवा है ये सिर्फ ऐसा ही ना हो कि हाँ भाई अल्लाह की ज़ात है, हाँ अल्लाह देख रहा है, हाँ अल्लाह मौजूद है, ठीक है जी ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे कि तकवे का हक है उस तरह से तकवा इख्तियार करो। और वला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। तो तकवे का हुक्म दिया जा रहा है मौत तक। देखिये, असल चीज बुनियादी बात क्या है, वो ये है कि इंसान का खात्मा ईमान पर हो, खात्मा बिल खैर हो, और मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस्लाम के ऊपर। अगर इस एक शख्स की जिंदगी का खात्मा ईमान पर हो जाता है, इस्लाम पर हो जाता है, तो ये शख्स कामयाब है। इससे बड़ा कामयाब कोई शख्स हो नहीं सकता। वमन ज़ुज़िया अनिन नार वउद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जहन्नम की आग से बचा दिया गया, वउद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, तो ये शख्स जो है वो कामयाब है, हकीकी कामयाबी इसको हासिल हो गई। तो लिहाजा नाज़रीन, असल बुनियादी चीज क्या है कि तकवा, और तकवा भी पूरी जिंदगी हो और मौत इस्लाम पर हो, ईमान पर हो, खात्मा बिल खैर हो, तो ये शख्स जो है वो कामयाब, ये शख्स जो है वो हकीकी तौर पर ये अल्लाह की निगाह में सुरखरू हो गया, इसने अपने आप को अल्लाह के रास्ते में डालकर इसने कामयाबी हासिल कर ली। अगरचे दुनियावी एतबार से अगर कोई शख्स जो है वो बज़ाहिर माल वाला नहीं है, दौलत इसके पास नहीं है, असबाब उसके पास नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है और दुनियावी असबाब नहीं है उसके पास, लेकिन वो मुत्तकी है, ईमान और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और उसी पर उसका खात्मा होता है, तो ये शख्स जो है हकीकी मानों में क्या है, ये कामयाब शख्स है। और अगर एक शख्स है उसके पास दुनियावी तमाम असबाब हों, हर चीज़ हो, तमाम आसाइशों की चीज़ें हों, और साथ साथ दीन भी हो, तकवा भी हो, तो ये तो नूरुन अला नूर है। और अगर तकवा नहीं है, दीन नहीं है, उसका खात्मा ईमान पर नहीं, खात्मा बिल खैर नहीं हो रहा, तो ये अल्लाह की निगाह में ये शख्स जो है वो नाकाम है। तो लिहाजा नाज़रीन, इस बात को हमने अपने पल्लू से बांधना है,
इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हम मुत्तकी बने, हमारे अंदर तकवा हो, हम जो है वो तकवे को इख्तियार करें। और साथ साथ फिर अल्लाह ताला ने आगे जो बुनियादी बात बयान की है नाज़रीन, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक शख्स इस्लाम में दाखिल होता है, ईमान इख्तियार करता है, मोमिन बनता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है, फिर वो आमाल सालिया को इख्तियार करता है, फिर तकवा इख्तियार करता है। अब ये उसके बाद बुनियादी चीज़ क्या है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। अब ये बिहब्लिल्लाह, यहाँ पे हब्लिल्लाह से मुराद भी किताबिल्लाह है, अल्लाह की किताब को। अल्लाह ताला ने किताब को किससे तशबीह दी, हबल से। तो हबल कहते हैं रस्सी को। जब एक इंसान कहीं खाई में गिर जाए, कहीं ऐसे कुएं के अंदर गिर जाए, उसको निकालने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। अब रस्सी तीन चीजें होती हैं अगर किसी को रेस्क्यू करना है। सबसे पहली बुनियादी चीज रस्सी हो, फिर निकालने वाले लोग हों और जिसको निकाला जा रहा है वो। अब रस्सी अगर मजबूत है और निकालने वाला और जिसको निकाला जा रहा है वो दोनों कमजोर हैं, जो निकाल रहा है उसके हाथों में ताकत ही नहीं है, वो खींच ही नहीं सकता, तो चाहे रस्सी कितनी मजबूत हो, वो ज़ाती रस्सी जो है किसी को रेस्क्यू नहीं कर सकती, किसी को बचा नहीं सकती। अब निकालने वाला भी मजबूत है, ताकतवर है, उसने रस्सी के ऊपर वाले सिरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है और रस्सी भी मजबूत है, और जिसको निकाला जा रहा है वो कमजोर है, उसमें ताकत ही नहीं है कि वो जो है रस्सी को पकड़ सके। तो चाहे जितनी आप ताकत लगा लें, जोर लगा लें, आप उसको ऊपर नहीं खींच सकते, क्योंकि वो उसको पकड़ ही नहीं रहा, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, उसको होल्ड ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है, देखो वा तसीमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इस रस्सी का एक सिरा अल्लाह के पास है, और रस्सी हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी किताबुल्लाह मजबूत है। अल्लाह का सिरा अल्लाह के पास है, वो भी मजबूत और रस्सी भी मजबूत। अब अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि तुम इसको मजबूती से पकड़ो। जब तुम मजबूती से इसको थाम लोगे, पकड़ लोगे, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें गुमराही से, जलालत से और जहन्नम की आग से अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। लेकिन शर्त यह है कि रस्सी को तुमने पकड़ना है, किताबुल्लाह को तुमने पकड़ना है, किताबुल्लाह को जो है तुमने मजबूती से थाम लेना है। अब किताबुल्लाह को थामने का मतलब क्या है नाज़रीन, किताबुल्लाह को थामने का मतलब यह है कि उस पर अमल करना, किताबुल्लाह के मुताबिक जिंदगी को गुजारना, ये बुनियादी चीज है। किताबुल्लाह यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को हमारे लिए नाजिल फरमाया है, जिसके अंदर हिदायत है, जिसके अंदर नूर है और जो सीधा रास्ता दिखाती है, और जो हुदल्लिल मुत्तकीन है, जो हुदल्लिल नास है, जो इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती या अक्वम, वो अक्वम है, सीधा रास्ता, मजबूत रास्ता दिखाती है, वो सिरात मुस्तकीम पर चलाती है। तो अब जब आप उसको थाम लेते हैं मजबूती के साथ, तो फअनकदकुम मिनहा, अल्लाह कहता है फिर हम तुम्हें खींच के निकाल लेते हैं, तुम जहन्नम के बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके थे, घड़े पे पहुंच चुके थे, हम तुम्हें तुम्हारे पुश्तों से पकड़कर तुम्हें जो है उससे बचाते हैं, अल्लाह ने हमें बचाया। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, जमीअन सबके सब मजबूती के साथ इस रस्सी को थाम लो, तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा इस रस्सी को थाम ले, इस रस्सी को पकड़ ले। देखिये आज उम्मत का जो मसला है वो क्या है, उम्मत का मसला ये है कि उम्मत किताबुल्लाह से दूर है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से दूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तरक्तुकुम फी अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, और फरमाया कि मैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत अल-खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन, कि तुम पर लाजमी है कि मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे खुलफा राशिदीन अल-महदीयीन की सुन्नत पर अमल करो, और मैं तुम पर दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, कौन से, किताबुल्लाह और अपनी इतरत और अहले बैत। ये किताबुल्लाह, सहाबा किराम, अहले बैत अज़ाम, इनके नक्शे कदम पर चलो। जब तुम इनकी जिंदगियों को फॉलो करोगे, इनकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, इनको पकड़ लोगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह फरमाता जमीयान सब के सब, तो ये नुक्ता इत्तेफाक है। जब उम्मत इज्तिमाई तौर पर किताबुल्लाह को थाम लेगी और इज्तिमाई तौर पर सहाबा की अजमत की कायल हो जाएगी, अहले बैत की अजमत की मोहब्बत की कायल हो जाएगी,
और सहाबा और अहले बैत के दरमियान फर्क नहीं करेगी, और सहाबा भी हमारे सरों की ताज और अहले बैत भी हमारी आंखों का नूर, हमारी हमारी पलकें। तो लिहाजा किताबुल्लाह हमारे सर के ऊपर, हमारे दिलों के ऊपर, हमारे हाथों, हम हाथों से मजबूती के साथ थाम लें तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह ताला कहता है कि फिर तुम नाकाम हो जाओ, तुम नाकाम नहीं होगे। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकु, देखो सारे के सारे ये काम करना, वला तफर्रकु और फिरका वारियत ना फैलाना, तफर्रकाबाजी मत फैलाना, फिरके का सबब मत बनना, तफर्रके का सबब मत बनना। लिहाजा ये अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है नाजरीन, ये इस उम्मत का नासूर है, उम्मत का नासूर कैंसर क्या है, फिरका वारियत, इख्तलाफ और मजहबी इख्तलाफ, और उसके साथ साथ आजकल के दौर के अंदर सियासी इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ भी एक तरह से एक बिल्कुल असबियत बन चुका कि घरों में भाई भाई के दरमियान इख्तलाफ हो गया, खानदानों में इख्तलाफ हो गया। सियासी इख्तलाफ और सियासी वाबस्तगी जो होती है वो उम्मत की फलाह के लिए होती है, उम्मत की कौमों की तरक्की के लिए होती है, निजाम मुमलिकत चलाने के लिए होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सियासी इख्तलाफ होता है। अगर मजहबी इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ भी जो है वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इख्तलाफ उलमाए उम्मती रहमतुन, ये मेरी उम्मत के उलमा का इख्तलाफ रहमत है, तो वो जब क्योंकि उससे राहें खुलती हैं इल्म की, और ये एक फितरी बात है, एक अकल के मुताबिक बात है कि इंसान उनके दरमियान इख्तलाफ होगा, लेकिन उनका एजेंडा एक होना चाहिए, उनका मकसद एक होना चाहिए, उनका टारगेट एक होना चाहिए। अब अगर इख्तलाफ को, इख्तलाफ और इफ्तिराक में फर्क है, इफ्तिराक से, इख्तलाफ से राहें खुलती हैं, इख्तलाफ से तरक्की होती है, इख्तलाफ से जो है वो इंसान अपने मकसद तक पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे चार दोस्त हों और वो प्लान करें कि जी हमने लंदन से मैनचेस्टर जाना है, अब वो प्लान कर रहे हैं मैनचेस्टर जाना है, मशवरा कर रहे हैं कैसे जाना है, एक दोस्त कहता है कि गाड़ी से जाते हैं, अब वो गाड़ी से जाने के दलाइल बयान कर रहा है कि गाड़ी में जो है वो खर्चा कम होगा, हम चारों एक साथ होंगे और जहां दिल चाहेगा रुकेंगे, नमाज का वक्त होगा नमाज के लिए रुकेंगे और हमारी आजादी होगी, हम जो है अपनी मर्जी के साथ ट्रेवल करेंगे। अब वो दलाइल दे रहा है कि दूसरा दोस्त कहता है नहीं हमने बस पे जाना है, बस के अंदर ये फायदा होगा और ये फायदा होगा, वो बस के फवायद बयान करता है। तीसरा दोस्त कहता है नहीं हमने ट्रेन से जाना है, रेलगाड़ी में जाने के, ट्रेन से जाने के ये फवायद हैं, हम जो है जल्दी पहुंच जाएंगे और हमारा जो है वो टाइम अच्छा गुजरेगा और हम वक्त पे पहुंचेंगे और बहुत सारे बेनिफिट बयान करता है। चौथा दोस्त कहता है कि हमने जहाज से जाना चाहिए, हम जहाज पे जाते हैं, प्लेन पे जाने के ये फवायद हैं। अब चारों अपनी अपनी दलाइल पेश कर रहे हैं, मकसद चारों का मैनचेस्टर पहुंचना है। अब जब उन्होंने किसी बात पर इत्तेफाक कर लिया जिसकी दलील मजबूत हो, जिसके पास सॉलिड रीजन हो, तो वो उसकी बात को माना जाएगा, उसकी बात को मानकर अब वो उन्होंने तय किया कि ठीक है जी हम ट्रेन से जाएंगे। अब जब ट्रेन से तय हो गया तो अब इख्तलाफ खत्म होना चाहिए, जो कहता था गाड़ी से जाना चाहिए उसको कह रहे थे ठीक है जी अब तय हो गया, सही है इसी में खैर होगी, जो प्लेन से कहता था, जो बस से कहता था कि ठीक है जी अब ट्रेन से जाएंगे, तो लिहाजा अब वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा जब आप बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं, तो इख्तलाफ राय आती है, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। तो कुरान कहता है जमीउ वला तफर्रकु, ये नहीं कहता वला तख्तलफु, कुरान ये नहीं कहता कि इख्तलाफ मत करो, क्योंकि इख्तलाफ इंसान की अकल के मुताबिक होना चाहिए, फितरी तौर पर है, हर इंसान की अकल, सोचने का जाविया, परखने का जाविया, देखने का जाविया और अकल का जो, अकल की जो जो मेयार है वो डिफरेंट होगा, उसका तफावुत डिफरेंट होगा। तो लिहाजा ये तो हो नहीं सकता कि इंसान सारे रोबोट बन जाए, सारे जो है वो भेड़ बकरियों की तरह बस एक ही रॉ में चलते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान इंसान है, इंसान का के पास अकल है, शऊर है, उसके पास डिफरेंट ओपिनियन है, तो इसीलिए तो अशरफुल मखलूकात है। तो कुरान इस बात को सामने रखते हुए कहता है वला तफर्रकु, देखो कि वला तख्तलफु, कि इख्तलाफ मत करना, तफर्रकाबाजी मत करना, या जमीओ वला तफर्रकु, तफर्रका फिरका मत बनाना। आज जो है पहले हम तंग थे कि भाई मजहबी बुनियादों पे फिरके बन गए, फिर जो है वो उसमें कई फिरके बन गए, फिर क्या हुआ
पीर मुख्तलिफ पीरों ने अपने अपने खानकाई निजाम बनाए, तो मुख्तलिफ पीरों की मुख्तलिफ जमातें बन गई, वो एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया। फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ मदारिस के जो फारिगीन थे उन्होंने अपनी अपनी जमातें बना ली कि जी हम इस मदरसे के फारिग हैं, हम उस मदरसे के फारिग हैं, हम उस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, तो लिहाजा वो फिरके बन गए। फिर उसके साथ साथ जो है फिर इससे बढ़कर लिसानी तौर पर, इलाकाई तौर पर, जबान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, इसके दरमियान हम लोग तकसीम हो गए। तो इस्लाम के अंदर जो कौमियत का तसव्वुर नहीं था, इस्लाम एक मिल्लत की बात करता है, इस्लाम एक उम्मत की बात करता है, इस्लाम कौमियत की बात नहीं करता। इस्लाम कहता है कि तुम इन्नहादी उम्मतुकुम उम्मतं वाहिदा, तुम सब एक उम्मत हो। जब मुसलमानों में ये इस बात का तसव्वुर मौजूद था कि हम एक उम्मत हैं, हुजूर ने फरमाया कि देखो इन्नमल मोमिनून इखवा अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम यशुद्दु बादहु कबादा, कि तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, यशुद्दु बादहु कबादा, कि वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जकड़े हुए हैं जैसे एक इमारत के अंदर ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और इनिश्तका आईना हो इनिश्तका कुल्ला, उसने फरमाया कि तमाम दुनिया के मुसलमान कल जिस्मुल वाहिद एक जिस्म की तरह है। अगर जैसे जिस्म के अंदर आंख को तकलीफ होती है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है, इसी तरीके से एक शख्स एक मुसलमान को अगर जो है अफगानिस्तान के अंदर, अगर सोमालिया के अंदर, अगर यमन के अंदर और शाम के अंदर, अमेरिका के अंदर और दुनिया के किसी मुल्क में, बांग्लादेश में और बर्मा में अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, तो उस तकलीफ का एहसास दुनिया के दूसरे किनारे में रहने वाले मुसलमान को होना चाहिए। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा एक मुसलमान जो है भाई जो है वो तकलीफ के अंदर है। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी कि हम क्या हैं, ये एक उम्मत है। हम उम्मत, जब से उम्मत का तसव्वुर खत्म हुआ, उम्मत के तसव्वुर को खत्म कर दिया गया, नेशनलिज्म को पैदा किया गया, जबान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर तकसीम कर दिया गया मुसलमानों को, जो है वो ये तुर्क हैं, ये अरब हैं, और फिर जो है ये अफ्रीकी हैं, और ये एशियाई हैं, और ये अजमी हैं, और इनका ताल्लुक फलानी कौम से है, इनका ताल्लुक फलानी नस्ल से है। तो उसका नुकसान हुआ। अरब नेशनलिज्म, तुर्क नेशनलिज्म, ये सारी चीजों ने क्या किया, मुसलमानों के इतिहाद को, मुसलमानों की इज्तिमाईयत का शिराजा बिखेर के रख दिया। तो कुरान कहता है जमीओ वाला तफर्रको, कि फिरका तफर्रका बाजी मत करो। और फिर देखें बुनियादी तौर पर वा तसीमु बिहब्लिल्लाह जमीओ वाला तफर्रको वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम। आज जब इत्तेहाद की बात की जाती है, इत्तेफाक की बात की जाती है, यूनिटी की बात की जाती है, तो कहा जाता है कि भाई किस दौर की बातें आप कर रहे हैं। अब तो मुख्तलिफ मुल्क बन चुके हैं, मुख्तलिफ कौमें बन चुकी हैं, मुख्तलिफ नेशनैलिटीज हैं, बाउंड्रीज हैं, सरहद हैं और पासपोर्ट हैं। हर मुल्क का अपना एक तराना है, एक झंडा है, हर मुल्क अपने हर मुल्क के अपने मफादात हैं। आप कहाँ की बात करते हैं, आप मुसलमानों की इज्तिमाईयत की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के इत्तेहाद इत्तफाक की बात कर रहे हैं, आप जो है लिसानियत से हट के बात कर रहे हैं, ये कैसे, ये इस दौर के अंदर जो है मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह कहता है वज़कुरू नेमत अल्लाह, याद करो उस वक्त करो कि जब अल्लाह ताला ने तुम पर ये इनाम किया, इज़ कुंतुम आदान, कि तुम सब दुश्मन थे, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के दरमियान मोहब्बत को, उल्फत को डाल दिया, फअसबहतुम बिनेमतिही इख्वाना, और अल्लाह के फजल से तुम सब क्या हो गए, भाई भाई हो गए, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार फअनकदकुम मिनहा, और तुम जहन्नम के किनारे पे थे, ना आग के बिल्कुल किनारे पे खड़े खड़े के ऊपर खड़े थे, तो हमने तुम्हें खींच खींच के निकाला, फअनकदकुम मिनहा कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह ताला जो है इसी तरह से बयान करता है अपनी निशानियों को, अपनी आयात को, ताकि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। तो अल्लाह ताला कहता है कि भाई वो वक्त भी याद करो कि जिस वक्त तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और किस तरह से तुम कौमों में बटे हुए थे, कबाइल में बटे हुए थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें यकजा कर दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें भाई भाई बना दिया, तो तुम जो है भाई भाई हो गए। तो क्या क्या
क्या आज के दौर के अंदर क्या मुसलमान अपने अपने मुल्कों में रहते हुए अपनी अपनी नेशनैलिटीज के साथ अपने अपने कौमी तशख्स के साथ क्या एक उम्मत का तसव्वुर नहीं पेश कर सकते? क्या वो उम्मत के मफादात के लिए मुश्तमे नहीं हो सकते? क्या वो उम्मत के इत्तेहाद के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? जब बातिल कौमें कुव्वतें ऐसा कर सकती हैं तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? मुसलमानों ने भी ओआईसी बनाया, तो क्या ओआईसी को उसके जो उसके उसूल हैं जवाबित हैं क्या उनके ऊपर दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता? अगरचे ओआईसी बनाई गई फलस्तीन के मामले के ऊपर, तो क्या उसके अंदर इस वक्त उम्मत के इत्तेहाद और इत्तफाक को एजेंडे में नहीं रखा जा सकता? क्या उम्मत की फलाह के लिए, उम्मत की तरक्की के लिए और उम्मत के हुकूक के लिए क्या इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया जा सकता? तो क्या आज का मुसलमान इतना कुन जहन हो चुका, आज का मुसलमान इतना दीन से दूर हो चुका, आज का मुसलमान क्या किताबुल्लाह से इतना दूर हो चुका कि उसको इत्तेहाद और इत्तफाक की अहमियत का अंदाजा ना हो? तो लिहाजा हम सबको मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करनी होगी कि ताकि इस्लाम और मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले सब मुत्तहिद हो जाए, सब में इत्तेहाद इत्तफाक हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो फिर क्या होगा, एक जमात तुम में एक ऐसी होनी चाहिए। फिर हम अल्लाह ताला ने हमारी रिस्पांसिबिलिटी भी बताई, देखो ऐसा ना हो वल तकुम मिनकुम उम्मती यदउना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये देखो तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए, वल तकुम मिनकुम उम्मती यदउना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाती रहे, जिसका काम ये हो कि लोगों को खैर की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ बुलाए, जो अमर बिल मारूफ करे, जो नहीं अनिल मुनकर करे, जो लोगों की इसलाह की फिक्र करे, जो अपनी इसलाह के साथ साथ लोगों की इसलाह की फिक्र करे। वल तकुम मिनकुम उम्मती यदउना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो अल्लाह फरमाते हैं कि यही लोग कामयाब शुदा हैं, कामयाब हैं, हकीकी तौर पर कामयाब ये हैं। लिहाजा बुनियादी तौर पर हमें अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और खैर का काम करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करें। आपके पास अगर आप मस्जिद के इमाम हैं तो आप मस्जिद के खतीब हैं, आप अगर मुदर्रिस हैं, अगर आप मुअल्लिम हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, लेक्चरार हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, आप सबकी हम सबकी कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें और अपने दायरे कार में रहते हुए करें। और अल्लाह फरमाता है वला तकूनू कल्लजीने तफर्रकू, फिर उन लोगों में समत होना जिन्होंने तफर्रका पैदा किया। जब देखो उम्मत के अंदर इंतशार फैल रहा है, फसाद फैल रहा है, इफ्तराक फैल रहा है, तो तुम क्या करो, इत्तेहाद की बात करो, इत्तफाक की बात करो, इज्तिमाईयत की बात करो। तुम उन लोगों में से मत हो जो तफर्रका फैलाते हैं, उन लोगों में से मत हो जो उम्मत की हुजूर की उम्मत के अंदर तोड़ पैदा करते हैं। हम कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, किस हैसियत से पेश होंगे कि हमारी आंखें झुकी हुई होंगी, सर झुके हुए होंगे कि हमने उम्मत को तोड़ दिया, हमने उम्मत के अंदर इफ्तराक को पैदा किया, हमने उम्मत के अंदर इंतशार को पैदा किया। हुजूर ने तो इस उम्मत को जमा किया था, हुजूर तो आए थे इस उम्मत को एक करने के लिए और हमने इस उम्मत को तोड़ दिया, और वो तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात है कि दीन के नाम पर किया, इस्लाम के नाम पर किया, और जो है वो फिरके के नाम पर किया, सिर्फ अपने थोड़े से मकासिद के लिए, अपने जाती फवाइद के लिए। तो ये बहुत ही इंतहाई दर्जे खतरनाक बात है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम सबको अल्लाह ताला हक के साथ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक्ना इत्तिबाअ वा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक्ना इज्तिनाबा। ये अल्लाह तू हमें हक के साथ कायम व दाइम रख, मरते दम तक हक पर रख, और बातिल से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।